दोस्तों, एक तो आप लोग जानते हो कि लॉकडाउन के कारण आपके घर तक गूगल एडसेंस का पिन नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरे सिस्टर का दो दो गूगल एडसेंस घर पर पहुंच चुके हैं। अब ये मेरे पास दो दो गूगल एडसेंस के पिन क्यों हैं? क्योंकि ये एक चैनल है मेरा 2015 का था, वो वाले का है, और ये अभी ये 2019 का चैनल जिस पर मेरा सब कुछ काम हो चुका था, ये चैनल चल रहा है उसका है। लेकिन मेरे सिस्टर के चैनल पर उनका गूगल एडसेंस पिन वेरिफिकेशन हो चुका, उसके बाद भी उनके घर पर दोबारा गूगल एडसेंस का पिन क्यों आया, मैं आपको बताता हूँ। क्या पता आपके साथ भी कभी हो जाए, तो आपको डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब मुझे बताया तो वो परेशान हो गई थी कि अजय भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया कि मैंने गूगल एडसेंस पिन वेरिफिकेशन तो कर लिया, तो मेरे पास दोबारा गूगल एडसेंस का पिन कैसे आया। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, और मैं आपको गूगल एडसेंस की कुछ नॉलेज देना चाहता हूँ, जिस नॉलेज को आपको आपके पास रखना चाहिए, क्योंकि मुझे 100% विश्वास है कि आपके माइंड में इसको लेके कन्फ्यूजन जरूर होगी। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, और अगर मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो सुनो, जब आपके गूगल एडसेंस में $10 हो जाते हैं, तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के बाद आप क्या बोलते हो कि मुझे पिन वेरिफिकेशन करना है, मैं अपने पिन को कैसे अप्लाई करूं? तो दोस्तों, पिन को आज तक कभी भी अप्लाई किया ही नहीं जाता। हाँ, ये सच बात है कि गूगल एडसेंस पिन को कभी अप्लाई नहीं किया जाता, पिन को कभी मंगवाया नहीं जाता। जब आपका गूगल एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाता है, तो आपका पिन ऑटोमेटिक वहाँ पर रजिस्टर, यानी रजिस्टर का मतलब कि वहाँ से डिस्पैच कर दिया जाता है, और ऑटोमेटिक आपके घर तक पिन पहुँचा दिया जाता है। लेकिन आप ये बोलते हो कि पिन कैसे अप्लाई करूँ, पिन को कैसे भेजूँ, पिन को कैसे मंगवाऊँ? तो दोस्तों, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस आप लोगों को ये लगता है, आपने वीडियोस में देखे होंगे, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं, वो आपको ध्यान में रखना है। आपका पिन ऑटोमेटिक वहां से आता है, आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं होता। मेन पॉइंट होता है आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गई, 24 घंटे के अंदर अंदर आपके गूगल एडसेंस के होम पेज पर आपको एक पॉपअप मिल जाएगा, जिसमें आपको दिखेगा कि एड्रेस वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई करना है ओटीपी डालकर। वो आपका कुछ दिनों के अंदर अंदर, एक महीने के अंदर अंदर आपके पास पिन आ जाता है, और ओटीपी डालकर आपको वेरीफाई कर लेना होता है। तो ये रही बात जो मैंने आपको क्लियर कर दी। अब बात सुनो कि जो दो गूगल एडसेंस के पिन मेरे सिस्टर के पास कैसे पहुंचे। देखो, जब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाता है और आपका ऑटोमेटिक पिन वहां से डिस्पैच कर दिया जाता है, लेकिन कुछ कारण होता है, पोस्टमैन को आपका घर नहीं मिलता या उनकी डिलीवरी थोड़ी लेट होती है, तो आपके घर पर पिन नहीं पहुंच पाता, और गूगल एडसेंस पिन दूसरी बार रीसेंड करने के लिए पूरा एक महीना लगता है, कि अगर एक बार में नहीं पहुंचा तो आप दूसरी बार रीसेंड कर सकते हो एक महीने के बाद। तो इनका भी कुछ यही प्रॉब्लम था, एक महीना इंतजार कर लिया, पिन नहीं आया, तो मैंने उनको बोला अब दूसरी बार रीसेंड कर दो, क्या पता दूसरी बार आपका आ जाए। जब इन्होंने दूसरी बार रीसेंड कर दिया, तो दूसरी बार इनके 10 दिन के अंदर अंदर इन्हें पिन मिल गया, और इन्होंने अपना गूगल एडसेंस कर लिया वेरीफाइड। उसके बाद 3-4 दिन के अंदर इनके पास दोबारा एक और गूगल एडसेंस का पिन आता है, और इन्होंने मुझे घबराकर मैसेज किया कि अजय भाई, मैंने एड्रेस वेरिफिकेशन तो कर लिया, लेकिन पिन दोबारा क्यों आ गया, क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? तो मैंने बोला नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, इसमें यही एक मैटर होता है कि जो आपका पहले वाला पिन था, वो पोस्टमैन की गलती के कारण, आपके लोकेशन के कारण या उनकी सर्विस लेट होगी, उसके कारण आपके घर तक नहीं पहुंच पाया। और जब दूसरा पिन आपके घर तक आ गया, तो पोस्टमैन को ये लगने लगता कि हाँ, मैं अभी 3-4 दिन पहले इनके घर पर गया था, तो वो जो आपका जूना वाला पिन होता है, तो वो भी आपके घर पर दोबारा पहुंचा देता है। लेकिन अगर आपके पास दो पिन आ जाए, तो आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं है। जो नया पिन आता है, उसको साइड में रख दो, क्योंकि जब आपने अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कर लिया, वेरीफाइड हो गया, फिर आपको कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। अगर छेड़खानी करोगे तो आपका गूगल एडसेंस खतरे में चला जाएगा। और एक और मेन पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि मेरे एक फ्रेंड है जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, उनसे मैंने पूछा था कि ये जो गूगल एडसेंस का पिन होता है, ये हमारे घर तक जल्दी क्यों नहीं पहुंच पाता। तो उन्होंने मुझे बोला था कि देखो अजय भाई, ये एक पेज होता है, और जब हमें अगर आपका एड्रेस नहीं मिलता, आपका लोकेशन पता नहीं चलता, अगर आपने एड्रेस गलत डाल के रखा है, तो हम इस पिन को क्या करते हैं, रिटर्न वापस भेज देते हैं, क्योंकि इसमें हमें कुछ ऐसा दिखता नहीं है, कुछ लगता नहीं है कि ऊपर गूगल लिखा हुआ है, कोई सर्विस होगा ऐसा, तो हम क्या करते हैं, इनको रिटर्न भेज देते हैं। लेकिन अगर आपका घर हमें मिल जाता है, तो हम आपके घर तक इस पिन को पहुंचा देते हैं। ये उनका
कहना है, मेरा कहना नहीं, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वही मेरे घर पर ये पिन पहुंचाए थे, तो उन्होंने मुझे ये बताया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा और आपको पता चल गया होगा। और अगर आपका पिन आपके घर तक नहीं आ रहा है तो आपको इंतजार करना है, अगर एक बार नहीं आया तो दूसरे महीने रिसेंड कर दो, दूसरी बार भी नहीं आ रहा तो तीन बार रिसेंड कर दो, और तीन बार नहीं आया तो फोर्थ टाइम भी आपको रिसेंड करने का ऑप्शन मिल जाता है, और फोर्थ टाइम के बाद आपको मैनुअल करने का ऑप्शन मिल जाता है कि आप मैनुअल तरीके से कर सकते हो। और अगर आपको मैनुअल करते नहीं आता तो आई बटन में मैंने वीडियो देके रखी है, उस वीडियो को देख लेना, आपका मैनुअल तरीके से एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगा ओनली 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी।